अगर आप अपने एनिमल को अच्छी खुराक दे रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो आपके एनिमल को दवाइयों की जरूरत नहीं है। और यदि आप अच्छी खुराक नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर संभाल उसकी नहीं कर रहे हैं, तो दवाइयाँ काम भी नहीं करेंगी। ऐसा कहना है हमारे पंजाब के बहुत ही सूझवान डॉक्टर जीवन गुप्ता जी का। डॉक्टर साहब ऑलरेडी किसानों को एडुकेट करने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए बहुत अच्छी वीडियोस बना भी रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब के ऊपर डॉक्टर जीवन गुप्ता सर्च करेंगे तो आपको उनकी वीडियोस मिल जाएंगी। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनकी वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उनकी वीडियोस को देखें। आपके फार्म पे, आपके पशुपालन में आने वाली जो भी समस्याएं हैं, जो भी बीमारियां हैं और जो चीजों का आपको ध्यान रखना है, उन सभी टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है। तो जाइए और उनकी वीडियोस को जरूर देखें। नमस्कार साथियों, मैं आदित्य वशिष्ठ अपने चैनल द काउ बॉय के ऊपर आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि हम ऑलरेडी रिपीट ब्रीडिंग के ऊपर एक वीडियो बना रहे थे, हमारी एक सीरीज चल रही थी, आज उसी सीरीज को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आपकी हीफर 2.5 साल 3 साल के करीब की हो जाती है और तब आपको रिपीट ब्रीडिंग की समस्या फेस करनी पड़ती है, तो आपको जब बच्चा पैदा होता है उस दिन से लेके उसकी फर्स्ट हीट तक का उसका क्या ख्याल रखना है, कैसे ध्यान रखना है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप अब नेक्स्ट जो वीडियो हम अब ला रहे हैं इसको समझ सकें। तो दोस्तों, अब क्या होता है कि जब आपकी हीफर फर्स्ट हीट में आती है और आप सोच लेते हैं कि फर्स्ट या सेकंड हीट में मिस करवाऊंगा और थर्ड हीट में आपकी गाय या भैंस को एआई आप करवाएंगे, तो उस समय आप रिपीट ब्रीडिंग से कैसे बच सकते हैं। दूसरी बात, हम अक्सर आजकल एक प्रचलन चल रहा है जो कि बहुत अच्छी चीज है, लोग प्रूवन बुल्स की तरफ जा रहे हैं। और अगर प्रूवन बुल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका सीमन भी कुछ आम रेट से ज्यादा होगा, वो 500 का भी हो सकता है, वो 1000 का, 2000, 5000, 10000 का भी हो सकता है। गुजरात में ये 5-10 हजार 2500 वाली फिगर आपको इजीली देखने को मिल जाएगी। हाँ, हरियाणा राजस्थान पंजाब में कुछ एक बुल ऐसे हैं जो इतने हाई रेट्स में मिलते हैं। तो अगर आप प्रूवन बुल यूज कर रहे हैं, एक अच्छे बुल का बच्चा अपने फार्म पे चाहते हैं और उस बुल का सीमन स्ट्राप कलेक्ट करके एआई करवा रहे हैं और रिपीट ब्रीडिंग ना हो, उस चीज को किस तरीके से आप समाधान कर सकते हैं, उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है। छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। उसमें ट्रेस मिनरल्स आ जाते हैं, मिनरल मिक्सचर आ जाता है, और नेक्स्ट डीवॉर्मिंग, सही समय पे एआई को हीट को डिटेक्ट करना और सही तरीके से एआई करवाना। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। आपको चैनल पे दी जा रही ये वीडियोस अगर लाभकारी लग रही है, आपको यूजफुल लग रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। तो दोस्तों, जिस दिन आप सोच लेते हैं, सपोज कीजिए आज आपकी गाय की हीट आई है और आपने उसको नेक्स्ट हीट पे आपने उसको एआई करवानी है, तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें कर लेनी चाहिए। 21 दिन का समय होता है उस समय हमारे पास, तो सबसे पहले तो 21 दिन से पहले ही आप डीवॉर्मिंग उसकी जरूर कीजिए, अच्छे साल्ट के साथ प्रॉपरली सही डोज में आप उसकी डीवर्मिंग कीजिए। फिर नेक्स्ट चीज शुरू होती है ट्रेस मिनरल्स। मार्केट में आपको बहुत कंपनियों के ट्रेस मिनरल मिल जाएंगे, और पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं या जो लोग मुझे जानते हैं जिन ग्रुप्स में मैं जुड़ा हूं, उनको पता है कि नॉर्मली मैं एआई से पहले कारगिल का न्यूट्रीसेक एडवांस यूज करता हूं। मेरे को अभी तक इस प्रोडक्ट के अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इसमें 21 गोलियां आपको मिल जाएंगी, साथ साथ करके 3 पत्ते आपको लेने होंगे और रोज रूटीन में आपको एक ट्रेस मिनरल की गोली देनी है। और 21 दिन तक आप इन जो बोलस आते हैं, जो टेबलेट्स आती हैं, आप इनको दीजिए। ये आपके एनिमल के अंदर जो ट्रेस मिनरल्स की डेफिशिएंसी है उसको रिकवर करने में आपकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट चीज, मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर दोस्तों कभी भी नहीं छोड़ना है, मिनरल मिक्सचर हमेशा चलता रहने दीजिए। सिर्फ उन दो 1-1.5 महीने में आप मिनरल मिक्सचर को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। जब आपकी गायें 9th मंथ में हो, ब्याने वाली हो, उस समय आप मिनरल मिक्सचर
छोड़ दीजिए, और उसके अलावा मिनरल मिक्सचर को हमेशा चलने दीजिए। मिनरल मिक्सचर आपकी गाय की बॉडी को ओवरऑल स्ट्रेंथ देता है, दूध बढ़ाने में हेल्प करता है, रिपीट ब्रीडिंग जैसी समस्या को सॉल्व करने में उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। और जो दूसरी चीज की मैं बात कर रहा हूँ वो होम्योपैथी का एक प्रोडक्ट है, मैं उसको अक्सर यूज करता हूँ, उसका नाम है फर्टिसूल। गोयल वेट की प्रोडक्ट है ये। मैंने अपने फार्म में इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट क्या देखा कि अक्सर क्या होता है जब आप AI करवाते हैं, तो क्या होता है जब डॉक्टर गन पास करता है अंदर गाय के, तो क्या होता है कि वो ये बोलता है कि अंदर जो रिंग्स बने हुए हैं बहुत हार्ड हैं, गन पास नहीं हो पा रही है, ज्यादा जोर में लगा नहीं सकता क्योंकि गन अंदर से बहुत ही ज्यादा मतलब जगह नहीं है गन पास होने के लिए। तो जब जब मैंने न्यूट्रीसेक इसका ट्रेस अपना फर्टिसूल का जब मैंने हेल्प लिया जब जब भी, तो हमेशा मैंने ये रिजल्ट पाया है कि गन पास होने में वो बहुत हेल्पफुल रहता है, और ओवरऑल भी वो प्रॉपर हीट में लाने में हेल्प करता है, न्यूट्रीसेक एडवांस भी और फर्टिसूल भी, और कंसीव करवाने में भी ये दोनों प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो 21-21 दिन का दोनों प्रोडक्ट्स का आप कोर्स कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में कोई और अच्छा प्रोडक्ट मिलता है या आपने ट्रेस मिनरल्स में किसी और चीज का ट्रायल किया है तो आंख बंद करके उन चीजों को यूज कीजिए। मेरा भाव सिर्फ इतना है कि मैं आपको कुछ जानकारी दे सकूं जिन चीजों को मैंने यूज किया है, और फिर जिन लोगों के पास बुल है उन लोगों के लिए बेनिफिट है कि बुल अपने आप हीट डिटेक्ट कर देता है, वो क्रॉसिंग का सही समय अपने आप डिटेक्ट करके क्रॉसिंग कर देता है। पर नॉर्मली जो लोग AI पे डिपेंडेंट हैं, मेरे जैसे बहुत सारे किसान भाई जो AI करवाते हैं, उनको थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि कब हीट स्टार्ट हुई, कब गाय ने बोलना शुरू किया, माउंटिंग शुरू की, डिस्चार्ज ज्यादा आया, फिर कब हीट ठंडी होनी शुरू की। आपको अपने डॉक्टर से का डॉक्टर की सहायता लेके इस चीज को जरूर सीखना है दोस्तों कि आपके। और दूसरा क्या होता है, जो एनिमल आपके फार्म के अंदर खड़ा है उसका जो बिहेवियर है ना, वो बिहेवियर के बारे में ना तो मैं बता सकता हूँ ना कोई डॉक्टर बता सकता है। उसको समझना, उसको डिटेक्ट करना आपका काम है। आपने उसकी पहले एक या दो हीट को देखना है कि उसका क्या बिहेवियर रहता है, कितनी लंबी हीट जाती है, कितने दिन डिस्चार्ज देती है, और क्या वो समय समय पे उठते बैठते बिना हीट के भी डिस्चार्ज देती रहती है। अगर ऐसी चीज भी है तो आप उसके लिए भी अपने डॉक्टर के साथ एक बार कंसल्ट जरूर करें। और दूसरा आप देखें कि अगर आज आपकी गाय हीट पे आती है तो वो कितना टाइम तक बोलती है, कितना टाइम तक माउंट करती है, अग्रेशन में रहती है, दूसरी गायों पे चढ़ती है, फिर जब हीट शांत होने लगे उस समय आप उसकी AI करवाएं। और जैसे आज शाम को 5 बजे आपने AI करवा दी, फर्स्ट AI, तो अगले दिन सुबह भी कोशिश करें एक AI करवा दें। और अगर आप हार्मोन्स का यूज करते हैं जो ओवुलेशन करवाने में हेल्पफुल रहता है, तो कई बार एक सीमन स्ट्रा से भी आप अपनी गाय को कंसीव करवा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। बट अगर आप हार्मोन्स के हक में नहीं है कि आपकी गाय को हार्मोन लगना चाहिए ओवुलेशन के लिए, तो आप 2 AI करवाएं, और उसके बाद डॉक्टर से ये चीज जरूर पूछें कि क्या अब आपकी गाय अभी भी हीट में है, नेक्स्ट AI बनती है या नहीं। अगर नहीं बनती तो ठीक है, अगर बनती है तो वो AI भी जरूर करवा ले, मन में किसी भी प्रकार का शक ना रखें। तो इन मेथड्स को यूज करके अगर आप AI करवा रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि शायद कुछ 60-70% जो रिपीट ब्रीडिंग आपके फार्म पे आने वाली थी या इस समस्या को आप फेस करने वाले थे या ऑलरेडी कर रहे थे, तो इन चीजों से आप काफी हद तक निजात पा सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रिपीट ब्रीडिंग का एक कारण नहीं है, ये तो सिर्फ हमने प्रिकॉशंस ली हैं कि रिपीट ब्रीडिंग ना आए, पर अगर किसी रीजन से, किसी प्रॉब्लम के कारण रिपीट ब्रीडिंग आ रही है, तो हम अगली जो सीरीज का जो अगला पार्ट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं उसके अंदर हम उन चीजों को भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि यूट्रस में इन्फेक्शन, गाय के बच्चा देने के बाद कुछ हुई प्रॉब्लम्स के कारण गाय को रिपीट ब्रीडिंग होने का कारण, और AI किस तरीके से करनी चाहिए, सीमन की जो मैनेजमेंट है, हैंडलिंग है, वो किस तरीके से होनी चाहिए, और भी ऐसे बहुत से टॉपिक हम छोटी छोटी वीडियोस बना के आपको उनके बारे में जागरूक करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वीडियो मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में फीडबैक जरूर दें दोस्तों,
ताकि मैं अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकूं, और जो भी कमियां इसमें रह गई हों वो भी कमेंट्स में बताएं ताकि उन चीजों को हम सही कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, भारत माता की जय।